नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। धान खरीद का सीजन जोरों पर है। करनाल में भी नई अनाज मंडी में खरीद का काम चल रहा है, लेकिन यहां पर आए कई किसान सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से नाखुश है। उनका कहना है कि इस बार मुनाफा तो क्या होगा, बल्कि जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। जब समाचार एक्सप्रेस की टीम ने रविवार को करनाल की अनाज मंडी का दौरा किया, तो कैमरे के सामने कई किसानों ने अपना दर्द बयां किया। आपको बता दें कि रविवार को खरीद नहीं की गई थी, बल्कि उठान का काम किया गया था। पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 2000 से अधिक गाड़ियां मंडी में आ रही हैं, और उन्हें अब मंडी में रखने की जगह भी नहीं बची है। हर जगह धान की ढेरियां पड़ी है, जिस कारण से आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। किसानों को घंटों तक जाम से मशक्कत करनी पड़ रही है। उठान अधिक हो, इसके लिए रविवार का दिन उठान के लिए रखा गया है, लेकिन जिस खबर के लिए हम वहां पर गए थे, उस खबर पर कई किसानों ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। एक प्रश्न के जवाब में किसान ने कहा कि नेता मात्र आश्वासन दे रहे हैं, कोई भी किसान हित के लिए काम नहीं करता। एसी कमरों में बैठकर किसानों के हितों की बात करना आसान है, लेकिन उनके पांव में कांटा ना चुभ जाए, इसलिए वह मंडी में नहीं आते। उन्हें यह तो मालूम ही है कि लागत मूल्य क्या होता है, लेकिन वह किसानों का दर्द नहीं समझ सकते। एक किसान ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार उन्हें अपने घर से ही पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि ठेके पर जमीन लेकर और उस पर धान लगाकर उन्हें जो मूल्य दिया जा रहा है, उससे वह नुकसान में है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की बात कहकर सभी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है, किसानों की किसी को भी कोई चिंता नहीं है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां इस समय धान की बिक्री का सीजन चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि प्रतिदिन यहाँ पर 2500 से अधिक गाड़ियाँ आती हैं, 2500 से अधिक गाड़ियाँ लोड होकर आती हैं, और इस तरह आप देख सकते हैं कि हर तरफ मेरी चारों तरफ धान ही धान है। इवन कि आने जाने का रास्ता भी कम हो चुका है आने जाने का रास्ता। इसलिए शायद सरकार ने डिसीजन ये लिया है कि रविवार के दिन केवल उठान होगा, बिक्री नहीं होगी। जो किसान बिक्री के लिए आएगा, उसे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं मौजूदा समय में इस समय मैं कुछ किसानों से बात करना चाह रहा था कि शायद उन्हें कौन समस्या आ रही है। अगर उनकी कोई समस्या है तो हम उनका समाधान करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर तरफ ढेरी लगी पड़ी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने का रास्ता भी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ यही कारण है। मैं कुछ किसानों से बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? इमरान है जी। इमरान जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी था जी। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? अजी, मैं तो रात का 8 बजे का। अब समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या तो आ रही जी सर, वहाँ गेट पास नहीं कटा, एकदम नियम बना दिया। किस तरह का नियम बना दिया? गेट आगे तो वार को छुट्टी रहेगी। देखिए, ये इमरान जी हैं जो यूपी से हैं अपनी धान को बेचने के लिए। इनका ये कहना है कि एकदम से नियम बना दिया कि रविवार को खरीद नहीं होगी। अब ये रात से यहाँ रुके हैं। सर, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जब भी किसानों का मसला उठता है, जब भी किसानों को लेकर कोई भी समस्या आती है, सरकार के नेता और विपक्ष के नेता, दोनों नेता आप लोगों के पास आते हैं, दोनों नेता आप लोगों को समर्थन देते हैं। वो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन आप मेरे को ज़रा ये विस्तार से बताइए भी, अगर किसी नेता से कभी आपने ये प्रश्न किया कि अगर एक किले के अंदर जीरी लगानी हो या धान लगानी हो या कोई भी फसल लगानी हो, तो उस पर कितना खर्चा आता है? ना, ये नहीं करे जी। या किसी नेता को पता होगा? नेता को तो सारे पता जी। अच्छा, नेता को पता होगा भी कितना खर्चा आता है? सब पता है जी, सब पता है। उसके बावजूद भी वो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हाँ जी, सब राजनीति चल रही, रात को वहाँ लाइन लगा दी सड़क पे, खड़े रहे, फिर 11 बजे अंदर बढ़े। अब रात से जो टाइम आ गया, अभी नहीं बिखरी, कल को बिकेगी, अपने का पैरा देंगे यहाँ पड़े। अब कल का क्या भरोसा है? कल का तो भरोसा है जी, बिकेगी। अब आप कल रात से यहाँ पर हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, या किसी नेता ने कभी आपको ये बोला है कि हाँ, या किसी नेता से आपने बातचीत करी कि हाँ भैया, अगर हम लोग एक किले के अंदर इतना धान लगाते हैं तो हमें इतनी बिजली चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतना खाद चाहिए, इतना बीज चाहिए? कभी किसी भी नेता ने आपसे अगर इस तरह से बात करी?
इमरान जी भी हाँ जी मैंने आप इमरान जी आपने इतना लगा दिया, इसके बदले मैं आपको इतना दिलवा दूंगा, कभी कोई बात हुई? आप सड़कों पर आ जाते हैं जी, हम तो किसान आदमी है, हमारा घना होगा जब भी ठीक रहे यार, थोड़ा हो जाए जब भी कोई नेता नहीं देता, घाटा भी अपनी पूर्ति से करेंगे। देखिए ये इमरान जी हैं हमारे साथ, इनका ये कहना है कि घाटा हो तो भी अपनी जेब से, अगर मुनाफा हो तो भी अपनी जेब से। अब हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जनाब आपका शुभ नाम क्या है? दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी आप बांसा गांव से बता रहे थे अभी आप मेरे को, आप बांसा गांव। सर आपके पास हम लोग वो देखते हैं कि किसान के पास जब किसान का कोई भी मसला होता है तो कई नेता अपना समर्थन देने आ जाते हैं, कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष की हो। मसला हल तो नहीं होता ना उसमें, हाँ तो जाते हैं, मसला हल ही नहीं होता। अगर हम ये पूछें, अगर आपने 10 नेताओं से बात की हो, 10 नेताओं में से कितने को पता होगा कि हाँ भी एक फसल उगाने में किसान की माली हालत कितनी हो जाती है? खर्चा तो 15,000 से कम नहीं होता। अब इतना मिल पाता है आपको? नहीं मिलता, नहीं मिल पाता। फिर किस वो जो नेता या सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष पक्ष के हैं, वो आपको किस बात का आश्वासन देते हैं? किसी बात का नहीं देते हो तो बस चले जाते हैं पूछ के भैया हम करेंगे। अगर आपने कभी किसी नेता से बात करी हो कि एक, हमने तो कोई नेता से बात नहीं करी। आप कब से हैं यहाँ पर? आप सवेर से आए हैं। अब तो आज तो उठान होना नहीं है? नहीं कल होगा। तो अब आप रात क्या करेंगे? यही सोएंगे और क्या करेंगे। ये देखिए ये बांसा गांव के थे हमारे साथ, आज उठान नहीं होना, सरकार ने एक एक फरमान जारी कर दिया कि शनिवार को रविवार को उठान नहीं होगा। अब इनकी क्या मजबूरी है, खुले आसमान के नीचे सोंगे? इनकी जो इनका सोना है, मैं हम इनको धरती पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र का जो सोना है वो भी यहीं पड़ा रहेगा। अगर कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी आपदा आ जाती है तो इसकी जिम्मेवार, सर एक चीज़ बताइए, अगर रात को बारिश आ जाती है या कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है या आपके ऊपर रह जाती है? अपने ऊपर ही है, अंदर जाले जाते हैं और क्या, देरियां बीग जाएंगी, सबकी बीगेंगी इसमें तो, सब जिम्मेदार की बीग जाएंगे, सब जिम्मेदार अंदर चले जाएंगे। ये जो सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि हमने रविवार को नहीं करना ये सब कुछ, ठीक है, गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ उठान ही पता लगा ना, कल ही शाम को पता लगा, जब कटगी धान तो लेना था, ये किराए वाला थोड़ा ठहरेगा, जो किराए पे ट्रैक्टर ला ले ट्राली ला ले जो साथ ना, वो तो नहीं ठहरेगा जी। तो इसमें आप क्या कहते हैं भी, सरकार को ऐसा आपको समय देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए, एतवार को भी बिकना चाहिए धान। देखिए इनका ये कहना है कि सरकार को एकदम से फरमान जारी नहीं करना चाहिए था, कम से कम इनको समय तो देना चाहिए था, अगर रात को कोई ना कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इनको ढेरियों के ऊपर, इनको तो खुद तो ढेरियों के ऊपर सोना ही पड़ेगा। अव्वल जो इनका सोना है, जिस सोने को हम खाते हैं, जिस सोने पे हम जीवित हैं, वो सोना भी यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, मजबूरी में वो धान की ढेरियाँ उठा उठा कर इधर से उधर रखनी पड़ेंगे, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। इनका ये भी कहना है कि जो नेता है वो सत्ता पक्ष में विपक्ष के, वो आते हैं बात करते हैं लेकिन हल अभी तक कोई नहीं निकला, हल किसी समस्या का कोई नहीं निकला। अब हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं, जो किसानों के मामले में टीवी के ऊपर आकर नेता बहस करते हैं, क्या उन नेताओं के बारे में आप क्या कहना जानते हैं कि वो कैसे, वो भी बहस करके चले जाते हैं या नहीं जानते हैं? जानते तो सब कुछ हैं, बस परेशान तो जिम्मेदारी है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशान जिम्मेदारी है। अब देख लो रात को सारे यहीं पर पड़े, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे उनको? नहीं उनके लिए को, जो आपके लिए बहस करते हैं वो कहते हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं, किसानों के हम दर्द हैं, किसानों के हम दर्द, लेकिन आपकी समस्या का हल नहीं हो पाता, ऐसे ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? वो चाहे वो सत्ता पक्षियों के चाहे विपक्ष पक्षियों, कुछ नहीं कहेंगे हम उनके बारे में, जब वो होता ही नहीं, मसला ही नहीं हल होता तो बहस का क्या फ़र्क है? देखिए इनका ये कहना है कि बहस हम नहीं करना चाहते, नेता चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष पक्ष का हो, जब इसने हल ही नहीं निकालना तो उससे बहस करके फ़ायदा क्या? टीवी पर आकर, कैमरे पर आकर, स्टूडियो में आकर जितनी मर्जी डिबेट कर लें, लेकिन उसको उनको असलियत नहीं मालूम। मैं आपको इनसे एक और बात पूछता हूँ, सर एक चीज़ बताइए कि जो माली हालत है सर का, जो माली हालत है किसान की मौजूदा समय में, उसके बारे में क्या सरकार को मालूम होगा कि नहीं होगा? मालूम तो है सरकार को, सब कुछ मालूम है। फिर क्यों नहीं कदम उठाती सरकार आपकी फेवर में? पता नहीं हमें क्या है, हम तो ठेके पर लेते हैं, लेंगे आगे नहीं लेंगे, है भाई अपना है नहीं।
देखिए इनका ये कहना है कि सरकार इनकी माली हालत के बारे में जानती है, इन्होंने ज़मीन ठेके पे ले रखी है, अब की ले ली अगली बार नहीं लेंगे। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष पक्ष का नेता हो, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं, लेकिन मजबूरी है, टीवी पर आ जाते हैं, डिबेट भी करते हैं, बड़े बड़े वायदे भी करते हैं, लेकिन इनकी समस्या का हल कोई भी नेता आज तक नहीं निकाल रहा। यही दो किसान मेरे साथ अभी मौजूद थे, मैं आगे चलूँगा और किसानों से बात करने का प्रयास करूँगा। और मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि मंडी के हालात आप देख सकते हैं, मंडी के हालात आप देख सकते हैं। ये भी मजबूरी इनकी ये है कि अगर आज तो बिकनी नहीं है, रविवार का दिन है, बिकनी नहीं है, बावजूद इसके इनको मजबूरी में रात को यहाँ पर शेड के नीचे या फिर अपनी ढेरियों के ऊपर ही सोना पड़ेगा। पता नहीं क्या आपदा आ जाए या इनकी क्या मजबूरी हो, लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस सरकार इनकी धरती पुत्रों के बारे में बड़े बड़े वायदे करती है, इनकी सुध जरूर लेनी चाहिए। मात्र भाषण देने से और मात्र इनके साथ में खड़े हो जाने से इनकी समस्या का हल नहीं हो पाएगा। मैं आगे चलूँगा, मैं आपको फिर और दिखाऊँगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से। हाँ जी, मैं इस तरह से आपको और बता, ये इमरान जी हैं हमारे साथ यूपी से, ये बांसा गांव के, एक और जो बांसा गांव के हैं वो दोबारा से हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ये पर्ची काटते हैं गेट पे, काटते हैं कंप्यूटर से, इनको तीन शिफ्ट में बंदा बिठाना चाहिए। ये सुबह 7 बजे बिठाते हैं, शाम को बंद कर देते हैं, सारी रात जमींदार सड़क पर खड़ा रहता है। ये भी बात आई थी, जो गेट पास हैं वो अपने चहेतों को पहले दे देते हैं, बाकी जो दूसरे गांव के, तो हमें नहीं पता इस बात में, फिर भी इनको मतलब तीन शिफ्टों में देना चाहिए। 8 घंटे एक बंदा बिठा दे, 8 घंटे एक को वर्कर को बिठा दे, पर्ची काटता रहे, अंदर रहे। ये रात के कोई 2 बजे का खड़े हो जाता है, कोई 1 बजे का, शाम को बंद कर देते हैं 7 बजे, 7 बजे सुबह खोलते हैं। देखिए अब ये गेट पास की मजबूरी भी है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक गेट पास चलता है, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी आती है उनको गेट पर ही रोकना पड़ जाता है। ये बता सकते हैं हमारे बारे में, इनके बारे में इमरान जी, इसके बारे में आप क्या चाहेंगे? आप कल से यहाँ पर हैं जी, कल से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आज की रात भी आपको यहाँ ठहरना पड़ेगा क्योंकि आज रविवार का दिन है। ठीक है, सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम यहाँ पर नहीं लेंगे खरीद, उठान होगा सिर्फ। और गेट पास को लेकर हमने ये भी सुना था, गेट पास के बारे में ये कहना था कि गेट पास के कर्मचारी जो हैं वो अपने चहेतों को पहले देने में मशगूल रहते हैं, जो दूसरे इलाकों से आते हैं, जो दूसरे ज़िलों से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, दूसरे कस्बों से आ रहे हैं, उनको गेट पास आने में, गेट पास मिलने में दिक्कत होती है। क्या इस बारे में कोई सच्चाई है? सर ये तो है, अपना तो अपना करके करे बात निकाल दे बराबर में को, पहले कटवा दे के लगे उसकी कट की पर्ची निकाल ले तो, और हम यूपी से आते हैं, हम तो लाइन में खड़े रहते हैं, अपना चाहे 1 घंटे में कटो चाहे 8 घंटे में कटो, कटवा के निकले। देखिए सर, इनका ये कहना है कि अपना तो अपना है, कहीं ना कहीं इस बात में भी सच्चाई है कि जो गेट पास के कर्मचारी खड़े रहते हैं वो अपने चहेतों को पहले गेट पास जारी करवा देते हैं। इनका ये कहना है कि ये लोग तो यूपी से हैं, चाहे इनको लगे 1 घंटा चाहे लगे 8 घंटा, लेकिन इनकी मजबूरी, इनको गेट पास के लिए वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन मैं बावजूद इसके फिर भी सरकार से ये कहना चाहूँगा, नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इनके हिमायती बने हुए हैं, जो लोग बातों में इनके हिमायती बने हैं, उनको सच में इनके सामने इनकी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। सिर्फ बातें करने से, टीवी के सामने आने से, कैमरे के सामने आने से समस्याओं का हल नहीं होता। प्रैक्टिकली आप लोग इनकी समस्याओं को समझें, प्रैक्टिकली आप लोग इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। इसके बाद मैं आपको फिर आगे ले चलता हूं कि मैं आपको मंडी का और नज़ारा दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरफ से चारों तरफ मंडी में धान ढेरियाँ लगी पड़ी हैं, इवन कि रास्ते तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। हाँ जी सर, आप और क्या कहना चाहते हैं? 1509 है जी, 1750 रुपये बिक रही, और किले में 15 क्विंटल निकले 45,000 का, हमने ले रखा ठेके पे 40,000 का, तो और घर से पैसे देंगे। अब आपने खुद सुन लिया होगा इमरान जी का कि इनकी माली हालत क्या है, ठेका लिया है 40 का, फसल निकलती है 45 की, अब रुपए बचते हैं 5,000। अब 5,000 रुपये में इमरान जी अपना घर चलाएंगे या कैसे करेंगे? इसके अलावा इसी 5,000 में से बीज खाद वही। सर इमरान जी, मैं आपसे यही पूछना पहले चाह रहा था कि सरकार को क्या इस बारे में अंदाजा है, या जो नेता आप लोगों के पास आते हैं, जो विपक्ष के नेता या सत्ता पक्ष के नेता ये कहते हैं, जो बहस करते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, चिंता मत करो, हम आपको ये करवाएंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, किसान धरती पुत्र है, आप सोना उगाते हैं उसी सोने को हम खाते हैं, उसी सोने पर हम जीवित हैं। क्या किसी नेता को, अगर हम लोग, हम आपसे एक प्रश्न ये पूछते हैं, अगर आपने
10 नेताओं से बात की है, क्या 10 में से किसी एक नेता को पता होगा क्योंकि एक किले में जो धान उगती है जिसका भी आपने हमें मूल्य बताया उसमें कितने का खाद, कितने का बीज, कितने का पानी लगता होगा? किसी नेता ने बताया जी? किसी नेता को नहीं पता, ये हमें पता किसानों को। किसी नेता को इस बारे में कोई मतलब वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के राजनीति चमकाने के लिए कहते हैं। तो जब वो आते हैं तब आप लोग उनसे बात नहीं करते? और जी वो काम मंडी में बढ़ जाएंगे, धूड़ मिट्टी कंटी लगे अब तो बार बार निकल जा बात करके। देखिए जी, इनका ये कहना है कि नेताओं को मंडी में बढ़ने का समय नहीं है, वहाँ तो उनको कांटा भी चुभ जाता है, वो तो बारों बार निकल जाते हैं समर्थन देकर, सिर्फ कागजों में या बातों में समर्थन देकर निकल जाते हैं, लेकिन जो असलियत है वो हमने इमरान जी के मुँह से सुनी है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से किसान की माली हालत क्या है, कि एक किला इन्होंने 40,000 रुपये ठेके पर ले रखा है, उसमें से फसल निकलती है 45,000 रुपये की, बचते हैं 5,000। 5,000 रुपये में से भी उसमें से इन्होंने खाद जो बीज है, इसके अलावा उनके दूसरे खर्चे भी हैं, पानी का खर्चा भी है, ट्यूबवेल का खर्चा भी वो है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किसान को एक किले में कितनी बचत होती होगी, लेकिन सरकार ये कहते हैं कि हम परस्पर उनको इतना मूल्य दे रहे हैं, नेता कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कहाँ साथ खड़े हैं वो, ये इमरान जी ने हमें बताया कि वो तो मंडी में बढ़ने से भी डरते हैं, मंडी में आने से भी डरते हैं, क्योंकि मंडी में कहीं उनको धान का कांटा ना चुभ जाए। जब एक नेता को इतनी चुभन है एक कांटे से, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो दो दिनों से यहाँ बैठे हैं इन पर क्या बीत रही होगी, इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं आगे लेकर चलने का प्रयास करूँगा आपको, हम किसी और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बावजूद हकीकत ये है कि जो मंडी के हालात हैं या जो सर किसान के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार चाहे भले ही भरोसा दिलाती रहे, सरकार चाहे भले ही इनके बारे में अध्यादेश जारी करती रहे, लेकिन जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो काफ़ी दूर है। आप देख सकते हैं किस तरह से मंडी में धान की ढेरियाँ लगी हुई हैं, लोग बैठे हैं। लेकिन आज मैं आपको फिर बता दूँ, आज रविवार का दिन है, हम लोग स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पर आए हैं। रविवार को अभी गाड़ियां नहीं आनी, मैं आपको बता दूं जब यहां पर गाड़ियां आने का सिलसिला कल सुबह शुरू होगा तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इवन कि दो पहिया वाहन चालक हैं उनको भी आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार की समझ में यह नहीं आती कि किसानों का हित किस में है। किसान वही धरती पुत्र है जो हमारे को सोना देते हैं, उसी सोने को हम लोग खाते हैं। हम लोग और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं लोगों से। हम लोग हैं इस समय करनाल की नई अनाज मंडी में, मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, जो किसानों के हालात हैं, उन्होंने अपना दर्द जो बयां किया है वो आपने भी सुना, हमने भी सुना और जनता भी सुनेगी। अभी हकीकत क्या है इस बारे में हम बात करते हैं। एक और हमारे साथ है। नमस्कार जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस समय मौजूदा समय में मंडी के हालात क्या हैं? ठीक है, बढ़िया हालात है। हाँ, माल मूल सारा उठ रहा है। हाँ, आप कौन से गांव से हैं सर? यहाँ करण बिहार के हैं। हाँ, आप किसान हैं या? किसान है। किसान। आपकी फसल ठीक समय पे बिक रही है, ठीक समय पे उठान हो रहा है? ठीक बिक रही है सर। अगर मैं आपसे एक प्रश्न का आंसर जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए जो नेता आपके समर्थन में आते हैं या नेता सत्ता पक्ष के हैं या जो विपक्ष पक्ष के हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि एक किले में धान को लगाने में कितने का खर्चा आता है, कितने की खाद लगती है, कितने की बिजली लगती है, कितने का पानी लगता है, क्या किसी नेता ने अपने मुँह से बताया? खर्चा तो काफ़ी आ जाता है ना। खर्चा कितना खर्चा आ जाता है? 15,000 के करीब आ जाता है किले का खर्चा। 15,000 उसमें बचत कितनी हो जाती है? बचत है, भाव के ऊपर है। भाव जो टाइम से कट जाए, टाइम से उठ जाए तो फिर तो ठीक है, तो जो टाइम से ऐसे रुलती रहे फिर तो भाई परेशान है ही है। अभी फिलहाल आप मतलब जो आपकी फसल है वो ठीक समय पे बिक गई? हाँ, ये अब तो ठीक बिक रही है। जैसे आज रविवार है, रविवार को किसान ने सरकार ने ये कह दिया, आज तो बंद कर रखा है इन्होंने, छुट्टी कर रखी है ना? हाँ, आज तो उठान कर रहे हैं, ये आज उठान कर रहे हैं, कल से फिर दोबारा गाड़ी आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। हाँ, कल से शुरू हो जाएगा है ना। तो इसमें मतलब अगर हम वही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किसान की माली हालत, एक किसान की माली हालत का दर्द क्या कोई नेता जानता है या नहीं जानता, या सिर्फ केबल या टीवी पर या फिर नेटवर्क? या कोई नहीं जानता, सब आप अपनी कुर्सी को रोते हैं, कोई किसी को नहीं जानता।
जो एक जैसे मान लो जो बहस करते हैं कि हम लोग जी नेता जी ये समर्थन हमने किसानों को समर्थन दे दिया, हम किसानों के साथ हैं, ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करने देंगे हम, किसान को भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, कैसे? ये सब बकवास है। और जो अपने आपको किसान पुत्र बताते हैं, किसान के लिए कुछ नहीं कहते, आप अपनी कुर्सी के लिए रो रहे हैं सारे ही, आप अपनी पार्टियों के लिए, किसान के लिए कौन करता है, कौन मरता है? आप कब से यहाँ पर बैठे हैं? आज तो सुबह ही पहले लिया थे ये जरीब, बस फिर आज बिकी नहीं, आज बैठे सुबह के ही हैं बैठे। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, अब बिकने के कोई चांसेस हैं? ना अब नहीं बिके, सुबह बिकेगी, अब आपको कल फिर सुबह आना पड़ेगा। हाँ जी, आप तो चलो यहाँ नज़दीक से हैं, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो ये है, वो कल पहले ही बोल दिया था इन्होंने भी कल बंद रहेगा, आज वैसे लोग ले आए फिर, तो फिर परेशानी तो आएगी, आज सारा दिन के बैठे खाली लोग। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, भाई जो किसान पुत्र है जो हमारे लिए सोना उगाता है उसी सोने को हम खाते हैं, ठीक है, उसके लिए नेता और नेता चाहे वो सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का हो निरंतर बहस करता है। नेता सब अपनी वोटों के लिए राजनीति करते हैं, लोगों को बलगाते हैं, भड़काते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, उनको सिर्फ वोट चाहिए नेताओं को, और कोई काम नहीं है नेताओं का, नेताओं ने तो पेट पालना अपना। नहीं कुछ नेताओं ने पीछे, कोई नेता भी किसान के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, सब नेता जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं, बेईमान है एक नंबर के। ये देख ले इनका ये कहना है कि नेता स्वार्थी हैं, बेईमानी हैं, सिर्फ उनको राजनीति चाहिए, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चौधर चाहिए। सर जब किसानों को कोई मसला बिगड़ता है वो आप कांग्रेस का राज आ जाएगा बीजेपी को गाली देंगे, बीजेपी का राज आ जाएगा कांग्रेस को गाली देंगे, नेता वही है सिर्फ कपड़े बदलते हैं, रंग बदल जाते हैं, ढंग बदल जाते हैं, वक्त आने पर नेता बदल जाते हैं, नेता तो ये नेता है। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ भी नहीं कह सकते, फिर कहन कहने हैं, जैसे डंडे बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं, वक्त आने पर नेता बदल जाते हैं, आज बगमा है, कल चिट्टे हो जाएंगे, परसों नीले हो जाएंगे, फिर ग्रीन हो जाएंगे, नेता तो वही के वही हैं, इंसान तो वही का वही है, इंसान वही का वही है, जिमीदार वही का वही है, जिमीदार ने तो आज भी मरना, कल भी मरना, परसों भी मरना, मरना ही मरना है। आप कहाँ से हैं सर? मेरा गाँव बाड़ू है। बाड़ू से? आप कब से बैठे हैं? मैं तो सुबह से बैठा हूँ। अभी भी बिकने के कुछ चांसेस? मैं आज डेरी लेकर आया तो मैं वैसे ही आया था मंडी में घूमने के लिए। आप कल लाएंगे? हाँ जी कल लाएंगे जी। ये पूछना चाह रहे जो ये नेता दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े चैनलों पे बहस करते हैं एक दूसरे से, उन नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन नेताओं को सबको मिलना मिलता है, पार्टियों से फंडिंग मिलती है, सब बकवासबाजी करते हैं, किसी के पल्ले कुछ नहीं है, हजार हजार एकड़ के वो मालिक हैं, मुंजारे उनके काम कर रहे हैं, मौजा लेने लग रहे जी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने 10 नेताओं से एक सवाल पूछा कि एक किले के अंदर धान लगाने के लिए कितना खर्चा आता है, क्या किसी नेता को पता होगा? नेता को सब पता है जी, नेता कोई अनजान थोड़ी है, नेता भी तो हमारे से अंदर से ही बने हुए हैं, आज वो नेता कल अभिनेता बन जाएंगे, पैसे आए अभिनेता बन जाएंगे, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि हम इन लीडरों के बस में पड़ गए, ये देश का दुर्भाग्य है, बहुत भारी दुर्भाग्य है। तीन अध्यादेश अभी जारी किए थे। ये जो रूलिंग पार्टी है वो तो कह रही है किसान के हित में, जो अपोजिशन कर रहे हैं वो किसान के खिलाफ, अब किसी को कुछ नहीं पता, सब आप अपनी गाय जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमारी राय है अभी हमारा माल MSP पे बिक जाए, हम खुद ही खुश हैं। आपकी राय है कि MSP बिक जाए, माल बिके, खुद ही खुश है सब किसान, कोई भी दुखी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से किस तरह से किसानों का दर्द सामने आ रहा है। मेरे साथ एक और किसान मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी, अब किसानों का दर्द क्या है आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक किसान हैं। किसानों का दर्द तो कोई नहीं समझता जी, कोई सरकार आए कोई जाए सब बराबर है, जैसे भाई साहब ने कहा अभी कपड़े बदलते हैं, देखो अंदर तो सारे एक ही हैं, लाठी भांजते हैं सड़कों पर, किसान धक्के खाते हैं, किसान का दर्द कोई नहीं समझता, आम पब्लिक है। अब मंडी में इतनी दिक्कतें हो रही हैं हमारे यहाँ, कोई MP कोई MLA कोई सरकार का नुमाइंदा कोई देखने तक नहीं आता, सरकार को किसी चीज़ जो है कोई लेना देना नहीं है, वो तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। सर जैसे ये लोग आपके पास फिर वापस आते हैं कि हाँ जी हाँ ये सरकार ने ये कर दिया, सत्ता पक्ष ने आपके विरोध में ये कर दिया, तो हम आपको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो आप अगर इन किसानों से इन नेताओं से बात नहीं करते कि हाँ अभी आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्यों बरगला रहे हैं? मान लिया दो पार्टी चार पार्टी जितनी भी पार्टी हैं तो वही सारे चोरी हैं ना, वे वोट तो उन्हीं में से एक को देनी है, अब ये देखते हैं अभी ये चोर कम है वो उसका भी वाफ निकलता है, उसका इलाज क्या करे पब्लिक,
बनने के बाद कोई नहीं सुनता किसी की। जो दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम नेताओं हम किसानों के हित में हैं, किसानों को उनका हक मिलेगा, किसानों को सब कुछ मिलेगा, किसानों के लिए हम ये कर देंगे, किसानों के लिए हम आत्मदया कर देंगे, किसानों के लिए हम ये रैली निकाल देंगे, किसानों के लिए हम ये कर देंगे, तो सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। एमपी एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद में हर जगह से इनके कमीशन आते हैं, कमाई का साधन बढ़ता है, जितनी बातें करते हैं वे सब खोखली है अंदर से। वो मतलब ज़मीनी स्तर उसका कुछ नहीं है, ना उनको किसी से कोई लेना देना है, सब एक ही चीज़ है। सर आप ये देख सकते हैं, हमने तीन लोगों से बात करने का प्रयास किया, तीनों से हमें एक ही जवाब मिलने को मिला कि ये राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, कोई भी एमपी एमएलए यहां पर मंडी में आकर नहीं देखता क्योंकि यहां पर उनको धान के कंडे चुभने का डर लगता है। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर चार पार्टियां हैं तो चार में से कोई कैसा है, वोट देना इनकी मजबूरी है, लेकिन इनके दर्द को कोई नहीं समझता। किसान का दर्द है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कल रात से बैठे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सुबह से बैठे हैं लेकिन उनकी ढेरियाँ नहीं बिकी, किसान ने सरकार ने फरमान जारी कर दिया। मेरे साथ एक और किसान नेता मौजूद होंगे। सर आप सरकार के बारे में, इस सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बोल, अच्छी बातें बोल रहे हैं। क्या अच्छी है, बढ़िया है, किसान को खुश कर रही है, एमएसपी पे माल खरीदने लग रही है। किसान को तो यही चाहिए एमएसपी पे उसके माल बिके। देखिए किसान को ये चाहिए कि उसका, अगर सरकार का किसान एमएसपी पे माल बिकता है तो किसान खुश है, लेकिन किसान के दर्द को कोई समझने को तैयार नहीं है। मेरे साथ एक और किसान मौजूद है, सर आप कहाँ से हैं? जी हम यूपी तक हैं जी। यूपी से हैं, कब से आए हुए हैं आप यहाँ पर? यहाँ से तो दो दिन हो ले जी। अरे दो दिन हो गए। हाँ जी। तो आपकी धान क्यों नहीं बिक रही? अजी परेशानी है ना, यहाँ कोई खरीदने वाला है मान लिया फ्री बराबर सोच रहे लेना अपना नई 1700 रुपये में मोटी लग रहे का एन और जी वैसी लग रहे वाजी री बिकी 1700 में वैसी 1509 और जी मोटी भी लग रही 1500 मंगन बताओ के करे वहाँ से। आप मुझे एक चीज़ बताइए। हाँ आप एक किले में धान लगाते हैं? हाँ जी। कितना खर्चा आ जाता है? एक किले में जी लगभग मान लिया 10,000 रुपया खर्चा है जी सारा, है ना? हाँ जी। एक किले में 10,000 रुपया खर्चा है। हाँ और इसके बाद अब जो यहाँ पर जो रेट है, हाँ जी, वो उस रेट का अगर हम मुकाबला करें, हाँ जी, तो क्या आपके घर में कुछ बचा आती है या नहीं? कुछ नहीं जी, घर तक देना पड़ा है जी। घर से देना पड़ा? हाँ, 10,000 रुपये का खर्चा आ गया जी। 25,000-30,000 रुपये की जमीन ले ली 40 के करीब की जी ठेके पे, तो घर तक ही देना पड़ रहा जी। और हमें यहाँ से धान लेगा पुलिस वाले लट लेगा भाग गए पीछे, सरकार का ही कहना अपना माल कहीं बेचो कहीं करो, पुलिस वाले भाग गए लट्ठा ठहके, बताओ कहाँ से के लग रहा होने यू। अब अभी मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे जो नेता आते हैं वो आपके यूपी से भी आते हैं, करनाल में भी हैं, हमारे शहर में भी हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसान धरती पुत्र है, क्या इनकी जो बातों में कुछ दम है या खोखलापन है? अजी एक बताओ जी, मैं किसान थे दिया क्या जी? किसान तो दिन भी से थे आज भी से है, बताओ कौन से ना के दिया रेट है जो के तुनुक्के नहीं है। उस टाइम पे 5,000 रुपये बिकक रहा था, लग रहा 1700 रुपये बिकन, बताओ के दे दिया किसानों थे? किसानों का तो और खोस लिया जो कुछ इकट्ठा कर रखे था इन्होंने, बताओ के तो ऐसे जो और वैसे नेता, हाँ जी, जो स्टूडियो में बैठ के कैमरे के सामने आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम रैली निकालेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों को साथ लेकर चलेंगे, ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अजी कहने में करने में बहुत बड़ा फर्क है, मैं ले तो अपने वोट बांट के मारी लग रहे करना में, अपना आश्वासन दे जा 5 साल के लिए भूल जा, जनता में कोई नहीं आता फिर बाद में यहाँ से, ना कोई किसी का पूछा, किसी का जाकत मर जाओ, वीर मर जाओ, आप मर जाओ, कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए एक किसान है हमारे साथ, ये यूपी से हैं, इन्होंने बताया कि ये 2 दिन से यहाँ पर है लेकिन खरीद दर के लिए नहीं है। अगर वो कोई खरीद भी रहा है तो वैसे खरीद रहा है मोती को बिल्कुल उस दाम पर कि जिस दाम पर पत्थर भी नहीं बिकता। एक खेत में जितना खर्चा आता है उससे कम दाम पर ये खरीद रहे हैं। इनको ये कहना है कि ये तो सिर्फ घाटे का सौदा है। और बाकी रही नेताओं की बात, नेता सिर्फ कोरे आश्वासन देते हैं, वो वोट बैंक अपना तैयार कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। मेरे साथ एक और किसान भाई मौजूद हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। आपको कितने दिन हो गए? मैं तो सुबह आया था आज। आप सुबह आए? हाँ, 3 बजे सुबह। चलो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आज यहाँ से वो नहीं बिक्री नहीं होनी, उठान होना है? नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन होती तो मैं आता ही नहीं फिर। अच्छा, तो अब जैसे अब आपका आगे फर्दर क्या प्लान है? रात को यहीं रुकना पड़ेगा? नहीं, रात को तो नहीं रुकना, शाम तक चला जाऊंगा।
तो जो सरकार के जो आश्वासन है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सब झूठे हैं, आश्वासन तो सब दे देते हैं, सब झूठे आश्वासन है। किसान तो लूट रहा हर जगह, 1700 रुपये बिक्री बताओ, 1500 इतना इसमें खर्चा आ रहा है, लगाई का कम से कम 1000 रुपये का खर्चा है कम से कम, और फिर खाद हो गया, दवाई होगी, इसी में रह जा किसान तो, और इसमें कोई बचत नहीं है। देखिए कुल मिला के मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो किसानों का दर्द है उनका ये कहना है कि हम लोग तो लूट रहे हैं, किसानों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। जो 1500 नो जो 1700 रुपये इन्होंने रेट निकाला है उससे ज़्यादा का तो कहीं खर्चा है, इसके अलावा तो दवाई, बीज, बिजली, पानी सबका खर्चा है, लेकिन सरकार कोरे आश्वासन के द्वारा सिर्फ नेता जो हैं सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नेता जो हैं वो आते हैं आश्वासन देकर फिर चले जाते हैं, लेकिन बावजूद उनकी समस्या का हल नहीं होता। मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर यूपी से कुछ किसान आए हुए हैं, किसान भाई आए हुए हैं जो एक एक दो दो दिनों से यहाँ रह रहे हैं। मैं तो हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सोचने पर ये भी विवश है कि इनकी रात कैसे गुजरेगी, कहाँ रात गुजारेंगे, खुले आसमान के नीचे। ये वही धरती पुत्र है जो हमारे को सोना उगा कर देता है। मैं आपको फिर आपको बता रहा हूँ कि ये वही धरती पुत्र है जो हमारे लिए सोना उगाता है, जो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन नेताओं को पता तो है कि धरती एक सोना उगाने में या फसल उगाने में या धान उगाने में कितना खर्चा आता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितने बजे उठ के, सुबह 3 बजे उठ के पानी देने भी जाना पड़ता है, रात को भी पहरा देना पड़ता है। किसानों को उनको नेताओं को पता है, लेकिन वो बड़े बड़े मालिक हैं, उनके आगे बहुत बहुत मजदूर हैं, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। सर ऐसे जो नेता हैं जो कोरा आश्वासन देते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो टीवी पर आके बड़ी बड़ी बहसें करते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, आप चलो हम आपके पीछे पीछे हैं? कोई नहीं पीछे है जी, सब झूठी बातें हैं, कोई पीछा नहीं करता, आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन कोई उस पर प्रक्रिया नहीं करता है। फिर जो तीन अध्यादेश अभी लागू हुए, अब ये SMP रेट निकाल दिए इन्होंने कि मोटा धान ही ले लो आप, 1880 रुपये बिकेगा, 1800 में खरीदने को तैयार नहीं है। गन्ने का ले लो SMP रेट, सब जगह लूट रहा है किसान। देखिए किसान हर जगह लूट रहा है, किसान अपना दर्द कहाँ बयान करे, सरकार इन पर राजनीति कर रही है, सरकार किसानों पर राजनीति कर रही है क्योंकि किसान इनका वोट बैंक है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि सरकार जो अपने वायदे करती है या जो इनके साथ जुड़ती है, जो इनके विरोध में या जो इनके विरोध में धरना प्रदर्शन करती है किसान, उनको उन नेताओं को चाहिए कि वो अपनी बातों पर कम से कम खरे तो उतरें। यही किसान पुत्र हैं, यही धरती पुत्र हैं जो आज ये बता रहे हैं कि इनके पास सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं मिला, इनको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा सिवाय आश्वासनों के, ये कुछ नहीं दे रहे हैं हमारे को, सब खोखली राजनीति है। राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में ये हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये छल कपट हो रहा है किसानों के साथ। हमने आपको कई किसानों से बातचीत करवाई जिन्होंने अपना दर्द बयां किया, जिनमें से एक या दो, इवन कि यहाँ तक तो हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर इनके ठहरने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। इनको दो दो दिन आए हो गए यूपी से ये आए हुए हैं अपनी धान बेचने के लिए, लेकिन अब इनको कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं आज रविवार का दिन है, रविवार को सरकार ने, शनिवार शाम को सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि उस दिन सिर्फ उठान होगा, कोई भी नई खरीद नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमें अपना दर्द बयां किया, जिस तरह से हम इन्होंने अपना रेट बताए, जिस तरह से इन्होंने अपना खर्चा बताया, उसको हैरानीजनक पहलू है। सर सबसे पहले आप सोन सिंह जी, ये जो बड़े बड़े नेता जो हैं, हाँ जी, जो वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष पक्ष के हों, ठीक है, ये अपना टीवी पर आकर आपके सामने आकर आपके बीच में आकर बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, हम सरकार से लड़ेंगे, हम आपको आपका अधिकार वो दिला कर रहेंगे, इस बारे में कितनी गुस्सा चाहिए? सर जी ये इसमें बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी, ऐसी कमरे में बैठ के अपनी बात बनाते हैं जी। 2015 में जो हालात अब की बार हो रहे हैं नी जी, 2015 में हालात थे जी, उससे उस टाइम जी खट्टर सरकार आई थी, इसने कहा था भाई जो ये कम रेट में ले रहे हैं नी 1500 जी, वो गवर्नमेंट रेट में तोल लो। गवर्नमेंट रेट में उस टाइम 1735 से ऊपर रेट था जी,
तो अगले ही दिन सेलर वालों ने अपने मतलब उसमें वो कर दिया था, तेजी कर दी थी जी। अब की बार कोई नेता कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं पूछ रहा भाई ये ब्रेक जीरी इतनी रेट डाउन क्यों बिक रहा। सर मंडी में कोई नेता मिलने के लिए आया किसानों से? कोई नहीं आता जी, कोई बिल्कुल नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है जी। अब इतना मतलब आएगा किसानों को भड़काएगा जी वो, लेकिन जो सच्चाई है जी 1500 का इतना रेट डाउन क्यों है जी? आखिर क्या कारण है जिसके पीछे? ये भी तो राज है जी इनका, क्या कारण है जी जो सेलर वाले? सर आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कालाबाजारी है जी, ये अपने सेलरों में इकट्ठी करेंगे, अंबानी अंडानी अपने घरों में इकट्ठी करेंगे, मतलब सेलरों में इकट्ठी करके फिर वो बाद में जब देखेंगे भाई जमींदार के पास बिल्कुल माल नहीं रहा जी, बिल्कुल ये अपना स्टॉक करके फिर उसको बाद में जब तेजी आएगी, तेजी भी इनके हाथ में है जी, ये एक्सपोर्ट खोल देंगे जी, बाजार खोल देंगे, ये तेजी कर देंगे जी, फिर उसका 1500 का रेट यही आज जो 1500 1600 1700 है, फिर वो 2000 2500 3000 तक ये खुद ही बेचेंगे जी। सरकार भी मिली हुई है जी। बड़े बड़े नेता जो आप लोगों के बीच में कभी कभार आ जाते हैं? हाँ जी जी, बीच में नहीं आते, नहीं जी कभी नहीं आते, यहाँ तो नहीं आए, अगर कोई आए जी पूछेंगे जी उनसे। जो 3 अध्यादेश पीछे जारी, हाँ जी जी, जो 3 अध्यादेश जारी किए गए, हाँ जी, उसके बारे में ये 3 अध्यादेश जी, ये भी शोषण किसान का ही होएगा जिसमें जी किसान का कोई भला नहीं होएगा। अभी इतना परेशान है जी, सुबह ट्रैली कट के जी रात को मंडी में आती है जी, मतलब लाइन में 4-4 5-5 घंटे मतलब लाइन में खड़े रहते हैं जी, मतलब गेट पास के लिए इतना मजबूर है, इतना तंग है जी, भूखा प्यासा मतलब लाइन में लग रहा है जी, मतलब ये कोई कालाबाजारी वाला काम थोड़ी है जी भाई, वो अपनी जीरी तो ले रहे जी सर जी। गेट पास के रिगार्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये मिली थी कि कुछ जो कर्मचारी गेट पास के वहाँ खड़े होते हैं वो अपने चहेतों को पहले गेट पास दिलवाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दूसरा जो बाहर से आ रहा है उसकी बात सुनते हैं। चेतों वाली की तो ये बात है सर जी, अगर जिसको गेट पास देना है जी उनकी टैली की जरूरत नहीं हो तो 2 नंबर काम वो आप भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो ने काम करना वो तो मतलब ना आपके हाथ में ना मारे ना किसान के। अच्छा एक चीज़ और बताइए सोन सिंह जी, क्या अगर हम लोग 5 या 7-10 नेताओं से बात करें, हाँ जी, कि एक किले के अंदर फसल उगाने में या धान लगाने में कितना खर्चा आ जाता है, क्या उनको पता होगा इस बारे में? नहीं उनको कुछ नहीं पता जी, अगर ठेका लगाए जी तो आप लगा लो 50,000 ठेका और 15,000 रुपये मतलब उसका लगाई का खर्चा जी, दवाई का मतलब लगाई का स्प्रे का जी, मतलब ये देखो जी आप कहाँ पड़ती है। और आज के टाइम में वो जीरी 1500 से 1700 के बीच में कुल हमारे को मतलब 35,000 या 25,000 का किला पड़ रहा है जी, ये लगा लो आधा उधर का। कहने का मतलब ये है कि आपको 25 या 30 हज़ार रुपये अपनी जेब से ही देने पड़ रहे हैं। अब की बार जी किसान बिल्कुल मारा गया जी, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया जी, कर्जा बहुत हो गया जी। सरकार के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार के लिए ये अपील है जी भी ब्रेक माल की और भी ध्यान दे, मतलब मोटा तो चलो 100-50 रुपये कम भी किराया कोई बात नहीं जी, 50 रुपये या मतलब 20 रुपये या गवर्नमेंट रेट भी बिक रहा उसको तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक वालों को ज़्यादा दिक्कत है जी आपके बार जी। देखिए ये थे हमारे साथ सोन सिंह जी, आप सुन सकते हैं इन्होंने क्या हमारे को बताया कि किस तरह से किसान अपना दर्द भरा जीवन जी रहा है कि अगर उसको अपनी धान बेचनी भी है तो उसको अपनी जेब से पैसे देकर करना पड़ रहा है। सरकार इन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार के हाथ में है मंदी या जोरी, मंदी करनी है तो भी सरकार के हाथ में है, रेट बढ़ाना है तो भी सरकार के हाथ में है। जो 1500 के बारे में ये बात कर, उनका ये कहना है कि 1500 1600 1700 रुपये बिक रही है, इतने में इनका खर्चा भी पूरा नहीं होता, पर किले के हिसाब से इनको कई हज़ार रुपए अपने घर से देने पड़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान इनकी सुध नहीं ले रही। इन्होंने सरकार से अपील ली है, इन्होंने सरकार से अपील की है वो किसानों की सुध ले, शायद उनके बारे में सोचे, लेकिन इनका बावजूद इनका ये कहना है कि सभी किसानों का जिनसे हमने बात करी है सभी किसानों का ये कहना है कि जितने भी नेता हैं या जितने भी बड़े बड़े एसी रूम में बैठकर नेताओं किसानों के हित के विषय में बहस करते हैं वो सब के सब वोट बैंक के लिए बहस करते हैं, उनका किसानों से कोई लेना देने है, वो खुद को तो हज़ारों एकड़ के मालिक हैं लेकिन किसानों की जो असलियत है, किसानों की जो मालियत है, किसानों का जो दर्द है उसके बारे में वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ हम नहीं कह सकते, वो जानते हैं लेकिन बावजूद इसके वो कोई भी कदम ऐसा उठाने को तैयार नहीं है कि जिसे सरकार जो है किसानों के हित के लिए कोई फैसला ले। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।